नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑन रिटर्न पर। शनिवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने ट्विटर हैंडल से मौनी रॉय की कुछ तस्वीरें शेयर कर दी। हालांकि बाद में मानवीय भूल बताते हुए उन सभी तस्वीरों को डिलीट कर दिया गया, लेकिन यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। तकनीक के इस जमाने में मानवीय भूल से कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसे ही कुछ हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। NSE के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से मौनी रॉय की ब्लैक शर्ट ड्रेस पहने कुछ तस्वीरें शेयर की गईं और लिखा गया कि वो सैटरडे का तापमान बढ़ा रही हैं। मौनी रॉय को देख सांसें थम जा रही हैं। हालांकि बाद में NSE की तरफ से माफ़ी मांगते हुए इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। उनकी तरफ से ट्विटर पर लिखा गया, आज NSE के हैंडल पर कुछ अनवांटेड तस्वीरें पोस्ट हो गई थी। ये एक मानवीय भूल थी जो NSE अकाउंट को चलाने वाली एजेंसी की तरफ से हुई थी। ये किसी तरह की हैकिंग नहीं थी। हमारे फॉलोअर्स को हुई असुविधा के लिए हमें दिल से खेद है। लेकिन मौनी रॉय का जो फोटो शेयर किया गया, इस पर ट्विटर यूजर्स ने मज़ेदार कमेंट्स करने शुरू कर दिए। किम नाम से यूज़र ने लिखा, मेरा सवाल ये है कि वो रंगीन आदमी कौन था। राजेश शिवराज ने लिखा, उम्मीद है कि जिस आदमी ने ये किया उसे निकाला नहीं गया होगा। हर शनिवार को एक पोस्ट ऐसा करने के बारे में क्या ख्याल है। राहुल ने लिखा, तुम्हारा भी ट्विटर हैंडल कोई MCA वाला चलाता है क्या। अतुल कुलकर्णी ने लिखा, नहीं नहीं क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बहुत ही अच्छा पोस्ट था, हमें काफ़ी अच्छा लगा। नरेश जोशी ने लिखा, बच्चों को शनिवार को भी काम करवाओगे तो ऐसा ही होगा NSE भाई, ये कोई मानवीय भूल नहीं है, बच्चों का फ्रस्ट्रेशन है। संजय राउत ने लिखा, जनता का पैसा सही हाथों में है क्या। प्रधानमंत्री जी, ये लोग आपके लिए कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। LIC और दलाल स्ट्रीट पर सफाई अभियान करना चाहिए।